जाएंगे हम। तुम यहाँ से ही चले जाओ ताकि पिताजी के गुस्से से बच सको। मैं चला जाऊँ तुम्हें छोड़कर, और तुम? मैं उस रसिक के साथ शादी करने से पहले जहर पीकर मर जाऊंगी और जीवन सरिता के उस पार तुम्हारी राह देखा करूंगी। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी नींद में कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देखकर। ना नजर मिली ना सुबह हिली, यूं ही सर झुका कर गुजर गए। कभी सुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पर। जो पसंद थे मेरी किताब में, वो शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हम हैं जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो सवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर। कभी उनके दर कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। दोस्तों, पुराने जमाने की खूबसूरत अभिनेत्री सुरैया, जिन्हें एक नजर देखने के लिए मरीन लाइन का रास्ता जाम हो जाता था, उन 75 साल की उम्र में अपनी मौत तक वहीं रही। उस जमाने में मरीन ड्राइव पर ट्रैफिक जाम वहां से गुजरने वाली लंबी कारों की वजह से नहीं, बल्कि उस सड़क पर एक करिश्माई अभिनेत्री जिसकी बहुत सुरीली आवाज हुआ करती थी के घर की वजह से हुआ करता था। उस घर के सामने उसकी एक झलक भर पाने के लिए सैकड़ों लोगों का मजमा लगा रहता था। उनकी मौत का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। उनके आखिरी वक्त में उनके मुंह से लगातार खून बह रहा था। उनकी पड़ोसी शहीदा उनके मुंह से लगातार बहते हुए खून को पोंछ रही थी, और उनके पैर में भी एक घाव था। उनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। उनके कजिन सबीर का कहना है कि सुरैया के वकील सुरैया की मौत के बाद इधर उधर घूम रहे थे और उनके रूम से उनकी प्रॉपर्टी के तमाम दस्तावेज ले गए थे। उस समय सुरैया विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया था। महान गायिका अभिनेत्री की मौत के 5 महीने बाद शहर के अपराध शाखा ने उनकी मौत की परिस्थितियों पर गौर करने का फैसला किया था। पुलिस की कार्रवाई हसीना बानो शब्बीर की ओर से अधिवक्ता मजीद मेमन द्वारा राज्य के पुलिस महानिर्देशक को लिखे गए 13 फरवरी के पत्र के जवाब में आई थी, जो सुरैया का करीबी दोस्त होने का दावा करता है। पत्र में बताया गया था कि सुरैया की मौत के लिए संदिग्ध परिस्थितियों के रूप में क्या माना जाता है, और न्याय के हित में एक CID जाँच की मांग करता है। 31 फरवरी 2004 को जब सुरैया की मौत हुई, तब वो 75 साल की थी। इसके तुरंत बाद एक अनुचित विवाद खड़ा हो गया था, जब उनके कानूनी सलाहकार घिमंद ठाकर और उनकी बेटी अमी शाह अभिनेत्री के विशाल मरीन ड्राइव फ्लैट, अन्य संपत्तियों और आभूषणों पर दावा करने के लिए आगे आए करोड़ रुपये। आधिकारिक जाँच के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी थी, लेकिन उन्होंने सुरैया से संबंधित सभी प्रासंगिक कानूनी और चिकित्सा दस्तावेजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जल्द ही वो उनके करीबी दोस्त, पड़ोसियों और कानूनी सलाहकार से भी पूछताछ करने वाले थे। उन्हें शहर की क्राइम ब्रांच यूनिट को मेमन से कानूनी नोट मिला। शब्बीर का कहना था कि वह लंबे समय तक सुरैया की पड़ोसी और विश्व पात्र थी। वो कहती हैं, मौत से कुछ महीने पहले सुरैया को कृष्णा महल
उनके मरीन ड्राइव स्थित आवास से उनके वकील के घर स्थानांतरित कर दिया गया था। जब उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कृष्णा महल लाया गया था, तब मैं मौजूद था। मुझे उनके मुंह से खून बहता हुआ स्पष्ट रूप से याद है। एक अन्य पड़ोसी सहिदा लगातार उसे रुमाल से पोंछ रही थी। हमने उसके पैर में घाव भी देखा। शब्बीर का आरोप है कि सुरैया के वकील और उनका परिवार सुरैया की मौत के बाद घर में इधर उधर घूम रहे थे और बेडरूम से दस्तावेज ले गए थे। फरवरी के महीने में महाराष्ट्र राज्य ने महाप्रबंधक के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और इसके एक आदेश के साथ सुरैया की सभी ज्ञात संपत्तियों को सील कर दिया था। हालांकि शब्बीर का कहना था कि ये विश्वास करना कठिन है कि सुरैया ने अपनी सारी संपत्ति ठाकर और उनकी बेटी को देने का फैसला किया। वह कहती हैं, जहां तक मुझे याद है, सुरैया हमेशा अपनी संपत्ति एक पब्लिक ट्रस्ट को दान करना चाहती थी। ठीक है देव साहब, तो अब आप तैयार हो जाइए। मैं आपको 60 साल नहीं, उससे भी पहले कहीं लेके जाने वाला हूँ। बोलिए। और आपको अभी कुछ सुनवाने वाला हूँ। सोचा कि आपके साथ बातचीत कहाँ से शुरू करें, तो मुझे लगा यहाँ से शुरू करते हैं। सुनिए और बताइए ये किसकी आवाज सुना रहा हूँ। सुनिए, एक हफ्ते का शूटिंग भी शुरू हो गया, मगर हीरो का अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। खैर, मैं काम करती गई। शूटिंग करते हुए मेरी निगाहें सेट के एक कोने की तरफ उठ जाती थी। एक नौजवान का बुत कुर्सी पर बैठा हुआ पथराई हुई नजरों से मुझे घूरता हुआ, जैसे उसकी पथराई हुई नजरें मेरे रोम रोम को छू लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने प्रोड्यूसर को बुलवाया और कहा, वो जाते शरीफ जो उस कोने में धरना दिए बैठे हैं, उन्हें उठवा दीजिए तो मैं काम कर पाऊंगी। वो सीधे उसके पास गए और उन्हें बाहर भिजवाने की बजाय उल्टे मेरे पास ले आए। मैं बहुत ही सटपटाई। प्रोड्यूसर साहब मुस्कुराकर फरमाने लगी, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे नए हीरो देवानंद। देवानंद कहने लगे, साथ काम करने से पहले एक नए आदमी को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह देख लेना चाहिए, गुस्ताखी माफ। कौन है ये? किस साल की बात कर रहे हैं आप? 1950? उससे भी पहले। ये क्या सुरैया है? राइट। Have I surprised you? You have, because I think it's a tremendous thing that you maintained and you kept a recording of a wonderful singer and actress, called Suraiya. Dev sahab, how do you react jab aaj bhi log aapke aur Suraiya ji ke romance ke bare mein baat karte hain? Wo abhi bhi taza hai. Nahi, isliye ki romance tha aur romance bade zoron se tha, akhbaron ne bada usko chhala aur मेरा पहला रोमांस था। क्या बात है देव साहब, मरीन ड्राइव पे जहाँ सुरैया जी रहती थी वो जगह अभी भी है वहीं पर? नाम बताइए। कृष्णा महल था। आई थिंक सुरैया यूज्ड टू लिव इन ऑन मरीन ड्राइव इन प्रॉब्ली इन कृष्णा महल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड आई यूज्ड टू लिव एट दैट मोमेंट, आई यूज्ड टू लिव इन जुहू।